नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध, प्रॉफिट की बात YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा प्रॉफिट की बात, इसमें जो हम हर तरह की जो है वीडियो डालते हैं, लाइक किसी फार्मर की, कोई ऑर्गेनिक की, अभी पीछे इलेक्शन का माहौल चला हुआ तो इलेक्शन की हमने डाली है, अभी गूगल की कुछ अपडेट्स हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये हर तरह की जो अपडेट आपको हम इस हमारे चैनल पर देते हैं। तो यदि आप चाहते हो आपको हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन, हर प्रकार की जानकारी, कोई भी सामान कहाँ सस्ता मिलता है, उस तरह की जो सारी वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर देते हैं। यदि आप चाहते हो कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आपसे मेरा अनुरोध, हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने कल भी इस YouTube की पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज सुबह सुबह जो है एक अपडेट और आया, जो कि मैंने मेंशन कर लिया अपनी इस कॉपी में। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ अपडेट आया है YouTube का। आज सुबह सुबह जो है YouTube का जो एक आज सुबह सुबह YouTube क्रिएटर जो इनसाइडर है उसके माध्यम से ही हमें इस अपडेट के बारे में पता चला है। वैसे तो आजकल कुछ ना कुछ अपडेट YouTube के माध्यम से आती रहती है, पहले इतना अपडेट नहीं होता था, लेकिन आजकल कुछ ना कुछ जो है अपडेट आती रहती है। तो आज जो नया अपडेट आया उसके बारे में बात करेंगे। YouTube ने कहा है कि सभी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 तारीख का जो आप 10 तारीख 10 दिसंबर से जो बोल रहे थे कि चैनल बंद हो जाएंगे, इसमें सभी को डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ उन चैनल को बंद किया जा सकता है वो अगर वो चाहे तो, यानी कि वो चैनल बंद होंगे, उन चैनलों को बंद किया जा सकता है जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होंगे। ठीक है जी, जो चैनल एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होंगे उन्हीं पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। अब वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवर्टाइज़र फ्रेंडली थोड़ा सा क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक यूट्यूब का एक सिस्टम होता है पी स्कोर, यूट्यूब पर एक होता है पी स्कोर, और यदि किसी का पी स्कोर डाउन होता है तो वो जो है यूट्यूब के उस मार्क के अंदर है जिसको चाहे तो यूट्यूब बंद कर सकता है। तो थोड़ा सा पी स्कोर के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। पी स्कोर होता है गूगल प्रेफर्ड स्कोर। वो कैसा होता है, कोई भी चैनल जो, वैसे तो काफ़ी टाइम से जो है गूगल इनसाइडर जो है गूगल में अंदर इंटरनल जो है ये काम कर रहा है पी स्कोर, लेकिन अब जो है यूट्यूब इस पे थोड़ा सा और ध्यान दे रहा है। पी स्कोर के अंदर जो है क्या होगा, जो वीडियो बनाते हैं, जो मैच्योर वीडियो, जैसे लाइक न्यूड्स वीडियो, अडल्ट वीडियो होते हैं जो, और कोई सुसाइड का वीडियो हो जाता है या कोई अडल्ट कॉन्टैक्ट होते हैं उसके बारे में, या कोई मर्डर का जो फेक जो वीडियो बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा पी स्कोर को डाउन करते हैं। और उस तरह की वीडियो जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होती है, जो आप समझ रहे हो मेरी बात को मेरे ख्याल से, जो मतलब नॉर्मल रूटीन में ना देखी जाए, जो हटके वीडियो होती है थोड़ा सा अडल्ट टाइप में, या कोई देखने में जिसको संकोच करते हैं, या जो बच्चों के बच्चे देखते हैं उससे थोड़ा बुरा फ़र्क पड़ता है, तो वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होता। और उन्हीं वीडियो के ऊपर जो है जो चैनल है जो वो ऐसे बनाते हैं वीडियो, उसके ऊपर जो है YouTube चाहे तो उनको बंद कर सकता है, क्योंकि YouTube उनको समझता है वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है, और मेरे हिसाब से वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली है भी नहीं, तो वो चैनल जो है थोड़ा सा बंद हो सकते हैं। और उसके आगे जो पी स्कोर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसका पी स्कोर कम होगा या कोई किसी भी चैनल का पी स्कोर कम है और वह लंबे समय से जो है चैनल मोटिलाइज नहीं हो रहा है, और वो बिना बात का जो है वीडियो डाले जा रहा है, उनका पी स्कोर भी डाउन है और मोटिलाइज भी नहीं है वो चैनल, और YouTube तो उन पर काम कर रहा है, उन्होंने अपना एम्प्लॉय लगा रखा है, क्योंकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब पर तो उनके सर्वर पर तो वो वीडियो जाता है, और वीडियो से उन पे सर्वर पे जो लोड भी पड़ता है, और YouTube उन पर जो काम भी करता है, कोई YouTube ने एम्प्लॉय भी लगा रखे हैं, YouTube का तो जो पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो जो है एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है वो वीडियो। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। तो इस प्रकार के जो वीडियो है जो मैंने अभी आपको बताया, मर्डर का हुआ, सुसाइड का हुआ, या कोई अडल्ट वीडियो हुआ, जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है और जो मोटिलाइज भी नहीं है, ठीक है जी, और उनका पी स्कोर भी जो है फिर डाउन है, और उस जो चैनल होंगे जो मेन जो वो चैनल, उनके ऊपर जो यूट्यूब अब कुछ काम करने जा रहा है, जो लंबे समय से उसका कोई यूज ही नहीं है और ना कोई उन पर कोई एडवर्टाइजमेंट दे करके खुश होता, तो उस तरह की वीडियो और जो बनाते हैं उस तरह की जो चैनल है उस पर जो है अभी जो गूगल एक्शन ले सकता है, अपनी मर्जी है कि वो लेना चाहे तो, ये नहीं कि वो बंद होंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा एडवर्टाइज़र फ्रेंडली वीडियो बनाए, उससे आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा।
और अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यदि आपका पी स्कोर बढ़िया होता है तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पी स्कोर बढ़िया है, वैसे तो 5 से 10% ही ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका पी स्कोर बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, उस सिचुएशन में जो एडवर्टाइज देते हैं जो एजेंसियाँ जिसके थ्रू गूगल सॉरी यूट्यूब को एडवर्टाइज मिलती है, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन वीडियो को जिनका पी स्कोर अच्छा होता है। तो मतलब ऐसे वीडियो बनाए जिसका व्यू भी अच्छा होता है और देखने में भी उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता कि भाई कोई बच्चे बच्चे से देखे तो उसमें कोई इशू क्रिएट हो कोई, मतलब इस प्रकार का, मतलब आप फ्रेंडली बनाए वीडियो, मतलब जिसको सभी देख सके, एक घर के सभी मेंबर मैं बताना चाहूँगा, मतलब सभी इकट्ठा होकर के भी देख सके। जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होंगे के खिलाफ़ जो है यूट्यूब एक्शन ले सकता है। तो इस प्रकार के जो है वीडियो जो डालते हैं वो चैनल पे थोड़ा सा यूट्यूब एक्शन ले सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इनको बंद कर देंगे, वो चाहे तो एक्शन ले सकता है। और 10 दिसंबर के बाद भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना चैनल चला सकते हो, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। बढ़िया वीडियो बनाइए जो सभी देख सके। और एक छोटा सा अपडेट और यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आया है, जैसे कि आप सभी को पता है जो नए यूट्यूबर होते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो रहता है और 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट रहता है, अब थोड़ा सा यूट्यूब ने इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपको जो है बार बार वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कितने घंटे हो गए कितने नहीं हुए, जैसे ही आपके 4000 घंटे पूरे होंगे वैसे ही ऑटोमेटिक जो है आपके पास मेल आ जाएगी यूट्यूब के माध्यम से और कि आपके 4000 घंटे पूरे हो गए हैं। और 30 दिन के अंदर यदि यूट्यूब ने देखा कि आपके जो आपने वीडियो बनाया है उस पर किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, बढ़िया वीडियो है, तो वो ऑटोमेटिक आपके चैनल को मोटिलाइज कर देगा, आपको बार बार जो है वो 4000 घंटे वाला भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा यही बताना चाहता था कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली क्या है, यूट्यूब के द्वारा क्या नया अपडेट आया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया वीडियो बनाएं और ऐसा बनाएं कि जो सभी देख सके, और कोई भी ऐसा अडल्ट वीडियो ना बनाएं जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ मेरे ख्याल से कोई ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो बढ़िया वीडियो बनाएं, यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करें और आप सभी का चैनल चले बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो यही दुआ करता हूँ। और अंत में मेरा आपसे अनुरोध, प्रॉफिट की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।